तो चलिए ज्यादा समय नहीं गवाते हैं और बात करते हैं कि क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट और प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में बेसिक अंतर क्या होता है। इतना तो आप सभी को पता होगा अगर आपने मेरे पुराने वीडियो देखे हैं, फिर भी मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूं कि क्वालिटी कंट्रोल लेबोरेटरी के अंदर क्या होता है, ड्रग की टेस्टिंग होती है और प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में ड्रग का प्रोडक्शन होता है। या ऐसा भी कह सकते हैं कि जब ड्रग का प्रोडक्शन होता है तो वहां से टाइम टाइम पे सैंपल को विड्रॉ करके क्वालिटी कंट्रोल लेबोरेटरी में पहुंचाया जाता है, जहां पर ड्रग की टेस्टिंग होती है और ये बताया जाता है कि प्रोडक्शन के थ्रू, मतलब प्रोडक्शन जब हो रहा है तो उस समय ड्रग के अंदर किसी भी तरफ की इंप्यूरिटी नहीं आ रही है, ड्रग बिल्कुल प्योर बनी हुई है, उसकी क्वालिटी मेंटेन है। ये काम होता है क्वालिटी कंट्रोल लेबोरेटरी का, जो ड्रग की डिफरेंट डिफरेंट टाइप से टेस्टिंग लगाती है। तो ये प्रोडक्शन डिपार्टमेंट और क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट जो होते हैं, ये दोनों साथ में काम करते हैं। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में ड्रग का प्रोडक्शन होता है, टाइम टाइम पर सैंपल विड्रॉ होकर क्यूसी में जाते हैं, जिसे हम क्वालिटी कंट्रोल लेबोरेटरी कहते हैं। वहाँ पर ड्रग की टेस्टिंग होती है, ड्रग की टेस्टिंग के बाद वो ये चीज़ बताते हैं कि हाँ, ड्रग की क्वालिटी मेंटेन है, ड्रग के अंदर किसी टाइप की इंप्यूरिटी नहीं आई है, आप प्रोडक्शन को कंटिन्यू कर सकते हैं। तो इस तरीके से ड्रग का प्रोडक्शन होता है और इन दोनों प्रोसेस को मॉनिटर करता है क्वालिटी एश्योरेंस डिपार्टमेंट, जिसे हम QA कहते हैं। तो इस तरीके से मैंने आपको बताया कि प्रोडक्शन डिपार्टमेंट और QC डिपार्टमेंट क्या वर्क करते हैं, और साथ ही साथ थोड़ा सा मैंने आपको ये भी क्लियर कर दिया कि QA डिपार्टमेंट का क्या काम होता है। अगर बात की जाए कि क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट और प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के अंदर कौन कौन सी ब्रांच होती है, मतलब ये कह सकते हैं कि ये जितने भी डिपार्टमेंट होते हैं ये अलग अलग पार्ट में डिवाइडेड होते हैं और सब अपने हिसाब से वहाँ पर काम करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट के अंदर कौन कौन से डिपार्टमेंट होते हैं। आप ये भी कह सकते हैं कि सब डिपार्टमेंट होते हैं जो कि QC के अंडर ही काम करते हैं। जैसे QC के अंदर जो डिपार्टमेंट आते हैं, जैसे हम क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट कहते हैं, HPLC डिपार्टमेंट, गैस क्रोमेटोग्राफी डिपार्टमेंट, डिसोल्यूशन डिपार्टमेंट, वाटर टेस्टिंग डिपार्टमेंट, माइक्रोबायोलॉजी डिपार्टमेंट, PRM डिपार्टमेंट, जिसे हम फार्मा रॉ मटेरियल डिपार्टमेंट कहते हैं, यहाँ पर PRM की टेस्टिंग होती है। उसके अलावा केमिकल डिपार्टमेंट, इस केमिकल डिपार्टमेंट के अंदर सभी टाइप के केमिकल टेस्ट परफॉर्म किए जाते हैं जो कि छोटे लेवल के होते हैं, जैसे कार्ल फिशर, LOD, टाइट्रेशन, UV विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोप टेस्टिंग, FTIR टेस्टिंग, TLC थीन लेयर क्रोमेटोग्राफी। तो ये वो सारे डिपार्टमेंट होते हैं जो कि क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट के अंदर काम करते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ कि प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के अंदर कौन कौन से डिपार्टमेंट होते हैं, बट मैं एक चीज़ बता दूं कि प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के अंदर होता यह है कि यहाँ पर जो टेबलेट का प्रोडक्शन होता है तो वो डिफरेंट डिफरेंट फेसेस में होता है, तो आपको केवल एक फेज के अंदर काम करने का मौका मिलता है। तो मैं आपको बताता हूँ कि जब टेबलेट का प्रोडक्शन होता है तो कितनी फेजेस से गुजरते हुए टेबलेट का प्रोडक्शन होता है। तो चलिए अब मैं आपको ये बताता हूँ कि प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के अंदर कौन कौन से डिपार्टमेंट होते हैं, बट यहाँ पर किसी टाइप के डिपार्टमेंट नहीं होते हैं। यहाँ पर होता यह है कि जब टेबलेट का प्रोडक्शन होता है तो वो डिफरेंट डिफरेंट फेजेस से होकर गुजरती है, तो आपको केवल एक फेज में काम करने का मौका मिलता है। तो मैं आपको क्लियर करता हूँ कि वो फेज कौन कौन सी होती है, टोटल 9 फेज होती है। तो सबसे पहले जब टेबलेट का प्रोडक्शन होना स्टार्ट होता है तो सबसे पहले होती है उसकी डिस्पेंसिंग। डिस्पेंसिंग का मतलब ये होता है कि सारे रॉ मटेरियल्स को आपस में मिलाया जाता है, जिसके अंदर होते हैं API और एडिटिव्स। API मतलब एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स, और एडिटिव्स के ऊपर मेरा एक सिस्टमेटिक वीडियो पहले से पब्लिश है, तो उसको देख के आप समझ सकते हैं कि एडिटिव्स क्या होते हैं। बट एडिटिव्स और API को मिक्स किया जाता है, इट इज़ कॉल्ड डिस्पेंसिंग। ये फर्स्ट फेज होती है। उसके बाद सेकेंड फेज के अंदर होती है सीविंग, मतलब उसको छाना जाता है। छानने के बाद होती है ड्राई मिक्सिंग, मतलब फिर छन गया पाउडर, एक जैसा हमको पाउडर मिल जाता है, यूनिफॉर्म पाउडर मिल जाता है, तो फिर उसको ड्राई मिक्सिंग होती है, उसको प्रॉपर तरीके से मिक्स किया जाता है। चौथे नंबर पे होता है ग्रेनुलेशन, उन मिक्सचर को फिर ग्रेनुल्स में कन्वर्ट किया जाता है। यहाँ पर एक चीज़ और बता दूँ कि ग्रेनुलेशन स्टेट पे QC जो होता है वो सैंपल विड्रॉ करवाता है, और QC में ग्रेनुल्स की टेस्टिंग होती है, जहाँ पर ये पता लगाया जाता है कि इस फेज में किसी टाइप की इम्प्यूरिटी तो आ नहीं गई है, या ड्रग की क्वालिटी में किसी टाइप का फर्क तो नहीं पड़ा है। तो ग्रेनुलेशन जो स्टेप होती है वो फोर्थ स्टेप होती है। पांचवी स्टेप होती है ड्राइंग। ड्राइंग में जो पाउडर जिसको ग्रेनुल्स में कन्वर्ट कर दिया गया है, अब ग्रेनुल्स को प्रॉपर तरीके से ड्राई किया जाता है। यहां पर मैं एक चीज और बता दूं कि इस कंडीशन में भी सैंपल को विड्रॉ किया जाता है और उसको QC में ले जाकर उसकी टेस्टिंग की जाती है। ड्राइंग के बाद उसके अंदर एडिशन होता है लुब्रिकेंट का, लुब्रिकेटिंग की जाती है और बाइंडिंग की जाती है। यहां पर भी सैंपल को विड्रॉ किया जाता है और QC में पहुंचाया जाता है, जहां पर इस कंडीशन में भी जो हमारा रॉ मटेरियल है उसकी टेस्टिंग की जाती है। इस बेसिकली इसको रॉ मटेरियल नहीं किया जाता है, इसको इंटरमीडिएट स्टेज कहा जाता है। जो ग्रेनुल्स होते हैं उनको फिर कंप्रेस किया जाता है, मतलब उनका कंप्रेशन हो जाता है, इसको हम कोर स्टेज कहते हैं। कोर स्टेज में भी सैंपल को विड्रॉ किया जाता है और उनकी टेस्टिंग की जाती है, कोटिंग की जाती है, और जब कोटिंग कंप्लीट हो जाती है तो फिर पैकेजिंग की जाती है। देखिए अब मैंने आपको बताता हूँ कि जैसे मैंने आपको बताया कि टेबलेट को जो प्रोडक्शन होता है वो डिफरेंट डिफरेंट फेजेस में होता है, और मैंने आपको एक चीज़ और बताई कि टोटल 9 फेजेस होती हैं। तो यहाँ पर जब आप काम करेंगे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के अंदर तो आपको इन्हीं फेजेस
में से किसी एक फेज के अंदर काम करना पड़ेगा। या तो आपको सीविंग में डाल दिया जाएगा, या मिक्सिंग में डाल दिया जाएगा, या ड्रायर्स में डालने का मतलब है कि वहाँ पर आपको वर्क करने का मौका मिलेगा, कि आपको कोई ड्राइंग का काम देखना है, या आपको मिक्सिंग का काम देखना है, या आपको कोटिंग का काम देखना है, या आपको कंप्रेशन का काम देखना है। उन मशीन मतलब उस फेज का इंचार्ज आपके पास होता है और आपकी प्रेजेंस में ही वो पूरी प्रोसेस कंप्लीट होती है, ठीक है। और वहाँ पर वहीं पर और उस फेज में ही आपको सील साइन करने होते हैं, मतलब केवल एक फेज का काम आपके जिम्मे सौंप दिया जाएगा, सीधी सच्ची बात अगर बोली जाए। अगर बात की जाए सैलरी की कि सर क्यूसी में ज़्यादा सैलरी मिलती है कि प्रोडक्शन में सैलरी मिलती है, तो मैं आपको मेरे कई वीडियोस के अंदर ये चीज़ बात बता चुका हूँ कि एज ए फ्रेशर स्टेज पे आपको सेम सैलरी मिलने वाली है, चाहे आप प्रोडक्शन को ज्वाइन करें या क्यूसी को ज्वाइन करें, सैलरी सेम ही होगी। सैलरी का जो इंक्रीमेंट होगा वो आपके वर्किंग कल्चर के ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितनी जल्दी परमानेंट होते हैं, और परमानेंट होने के बाद फिर आपका सैलरी इंक्रीमेंट होना स्टार्ट हो जाता है। तो जितना अच्छा आपका वर्किंग कल्चर होगा, जितनी कम से कम आप गलतियाँ करेंगे, कम से कम डेविएशन करेंगे, कम से कम इंसिडेंस करवाएंगे, तो उसके चांस आपकी सैलरी इंक्रीमेंट के चांसेस और बढ़ जाएंगे। एक चीज मैं आपको और बता दूं कि जो सैलरी का इंक्रीमेंट होता है वो आपके एक्सपीरियंस के ऊपर डिपेंड करता है, और वो एक्सपीरियंस आपका शो भी होना चाहिए। अगर आप अपने एक्सपीरियंस को शो नहीं करेंगे, एक्सपीरियंस का मतलब है कि जब आप बहुत टाइम तक इंडस्ट्री के अंदर रहते हैं, एक साल, दो साल, तीन साल, तो आप अपने एक्सपीरियंस से अपने डिपार्टमेंट को की ग्रो करवाते हैं, या आप कम से कम गलती होने के चांसेस करवाते हैं। एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बताता हूँ कि एक्सपीरियंस कहाँ काम आता है। जैसे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के अंदर जो एक्सपीरियंस पर्सन होते हैं, वो टेबलेट जब बनती है तो उसको हाथ में लेके ही बता देते हैं कि इसकी हार्डनेस कितनी है, या कोई भी अगर टेबलेट के प्रोडक्शन के बीच में अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है, जैसे टेबलेट के अंदर कोई क्रेक आ रहा है, या टेबलेट जो है वो पाउडर छोड़ रही है, या पैकेजिंग सही तरीके से नहीं हो पा रही है, तो जो एक्सपीरियंस पर्सन होता है उसको उसका रीज़न पता होता है कि टेबलेट के अंदर क्रैक क्यों आ रहा है, टेबलेट जल्दी टूट क्यों रही है, या पैकेजिंग के अंदर किस टाइप की प्रॉब्लम आ रही है, ये एक्सपीरियंस पर्सन ही बता पाता है। और अगर आप एक साल, दो साल, तीन साल तक उसी डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं बट आप अपने एक्सपीरियंस को शो ही नहीं कर पा रहे हैं, तो फिर आपका सैलरी इंक्रीमेंट नहीं होगा। बट आपने काम करा और अपने एक्सपीरियंस के थ्रू कंपनी का अगर आपने फ़ायदा कराया, कंपनी को आपकी वैल्यू भी होगी और वो आपको रोकने की कोशिश भी करेगी, कैसे करेगी, आपकी सैलरी बढ़ाकर। तो आपको आपका एक्सपीरियंस शो करना है, और वो तब होगा जब आप अपने वर्क पे अच्छे से ध्यान देंगे, सिस्टमेटिक वे में काम करेंगे और अपने सीनियर्स की बात को सुनेंगे, उनके एक्सपीरियंस को लेंगे, तो फिर आप ग्रो करते जाएंगे। और सेम एक्सपीरियंस जो होता है वो क्यूसी के पर्सन भी बताते हैं। एग्जांपल के लिए अगर वहाँ पर किसी टेस्ट के रिजल्ट्स में प्रॉब्लम आ रही है, रिजल्ट्स के अंदर वेरिएशन आ रहा है, या कोई ड्रग बार बार फेल हो रही है, या अनस्टेबिलिटी दिखा रही है, तो क्यूसी के जो एक्सपीरियंस पर्सन होते हैं उनको पता होता है कि ये जो ड्रग है उसका क्या नेचर है और उसको कैसे ट्रीट करना है। देखिए एक्सपीरियंस पर्सन का फायदा यही होता है फार्मा इंडस्ट्री में, जो एक साल, दो साल, चार साल, पाँच साल तक एक ही फार्मा इंडस्ट्री में काम करते हैं, उन लोगों को हर ड्रग के नेचर के बारे में पूरा नॉलेज हो जाता है। तो उनको ये बात पता होती है कि इस पर्टिकुलर ड्रग को हमको कैसे हैंडल करना है जिससे कि ये प्रॉपर तरीके से बिहेव करेगी और स्टेबल बनी हुई रहेगी। बट जो बिल्कुल नए लड़के होते हैं उनको ड्रग के बारे में बिल्कुल भी पता नहीं होता है, वो एसओपी पढ़ते हैं और उसी के हिसाब से काम करते हैं। यही डिफरेंस होता है एक्सपीरियंस में और एक नए बंदे में। बट जैसे जैसे आप टाइम निकालेंगे आपको एक्सपीरियंस होता जाएगा, और वो आपको फिर शो भी करना है। जैसे जैसे आप अपना एक्सपीरियंस शो करेंगे, कंपनी का फ़ायदा कराएंगे, डिपार्टमेंट का फ़ायदा कराएंगे, डिपार्टमेंट में कम से कम गलतियाँ होंगी, सारा वर्क टाइम पे होगा, तो फिर आपका ग्रोथ होना ज़रूरी है और वो ग्रोथ होगी भी। अगर बात की जाए कि सर क्यूसी और प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में जब हम इंटरव्यू देने के लिए जाएंगे तो हमसे किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, तो इसके ऊपर तो मेरे पहले से काफ़ी वीडियोस हैं, तो उन वीडियोस को देख के आप समझ सकते हैं कि जब अगर आप क्यूसी और प्रोडक्शन के लिए इंटरव्यू के लिए जाएंगे तो आपसे किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो आप उन वीडियो को देखिए, क्योंकि अगर मैं यहाँ पर बताने लग गया तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। हम चलते हैं कि इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या होता है। अगर बात की जाए कि सब में से बेस्ट कौन सा है, तो देखिए नेचर के ऊपर डिपेंड करता है। डिपार्टमेंट दोनों ही अच्छे हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कहाँ पर काम करना चाहते हैं। अगर आपको फार्मास्यूटिक्स बहुत अच्छा लगता है, ड्रग प्रोडक्शन में इंटरेस्ट है, ड्रग डिजाइनिंग में इंटरेस्ट है, तो आप प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में जा सकते हैं। और अगर आपको फार्मास्यूटिकल एनालिसिस अच्छा लगता है, ड्रग टेस्टिंग में आपको मजा आता है, इंस्ट्रूमेंटेशन हैंडलिंग काफी अच्छी लगती है, तो आप क्वालिटी कंट्रोल लेबोरेटरी में जा सकते हैं। सैलरी का इंक्रीमेंट दोनों के अंदर बराबर है, और मैं आपको बता चुका हूं कि सैलरी का इंक्रीमेंट आपके वर्किंग कल्चर के ऊपर डिपेंड करता है, डिपार्टमेंट के ऊपर बिल्कुल भी नहीं करता। अगर बात की जाए जॉब अपॉर्चुनिटी की, तो सबसे ज्यादा जॉब अपॉर्चुनिटी जो होती है वो क्वालिटी कंट्रोल लेबोरेटरीज के अंदर होती है, क्योंकि यहां पर स्किल बहुत इंपॉर्टेंट है। तो स्किल से मतलब है आपकी प्रिपेटिंग बहुत अच्छी होनी चाहिए, वेइंग बहुत अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि यहां पर आपको इंडिविजुअली हैंडलिंग करनी पड़ती है, इंडिविजुअली टेस्ट लगाने पड़ते हैं, जिस वजह से अगर यहां कोई मिस्टेक होती है तो लड़कों की नौकरी ज्यादा जाने के चांसेस होते हैं। प्रोडक्शन में भी होता है, अगर आप कोई बहुत बड़ी गलती कर देते हैं जिसकी वजह से आपका प्रोडक्शन खराब हो जाता है, ड्रग के अंदर इंप्यूरिटी आ जाती है, या किसी टाइप का बहुत बड़ा एरर जनरेट हो जाता है जिससे कि ड्रग
जिससे कि प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को जवाब देना काफ़ी भारी हो जाता है, तो यहाँ पर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में भी जो बंदे काम कर रहे हैं उनकी भी जॉब जा सकती है। अगर बात की जाए गर्ल्स की कि गर्ल्स में सबसे ज़्यादा मौका कौन से डिपार्टमेंट में है, तो वो है क्वालिटी कंट्रोल लेबोरेटरी डिपार्टमेंट में। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में गर्ल्स को काफ़ी कम मौका मिलता है। QC में गर्ल्स के लिए मौका भी है, और अभी लड़कियाँ जो गर्ल्स हैं हमारी वो QC डिपार्टमेंट में काम भी कर रही हैं। ज़्यादातर जितने भी ऑडिट्स होते हैं वो QC बेस्ड होते हैं। उसका रीज़न मैं आपको पहले भी काफ़ी वीडियोज़ में बता चुका हूँ, और उसका रीज़न ये है कि QC के अंदर जो सोफिस्टिकेटेड इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं वहाँ पर जितने भी डाटाज होते हैं, यानी आप जितने भी टेस्ट लगाएंगे, चाहे वो HPLC हो, UV हो, GC हो, FTIR हो, इन सभी के डाटा जो होते हैं वो उन इंस्ट्रूमेंट्स में जाके सेव हो जाते हैं, उनके सॉफ्टवेयर में जाके सेव हो जाते हैं, तो वहाँ पर गलती पकड़ने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। अभी भी प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के अंदर जितने भी इंस्ट्रूमेंट यूज़ हो रहे हैं वो सॉफ्टवेयर के थ्रू हैंडल नहीं होते हैं, तो वहाँ पर गलती पकड़ने के काफ़ी कम चांसेस होते हैं एज़ कम्पेयर टू QC। मतलब अगर आप QC में गलती करते हैं तो वहाँ तो वो गलती पकड़ में आनी ही आनी है, बट अगर आप प्रोडक्शन में अगर कोई ऐसी गलती कर देते हैं तो वहाँ काफ़ी कम चांसेस होते हैं कि वो पकड़ में आ सके। ठीक हो गई बात। तो ये चीज़ आपको दिमाग के अंदर रखनी है कि अगर आप QC में जा रहे हैं तो वहाँ पर आपको सोफिस्टिकेटेड इंस्ट्रूमेंट पर काम करना पड़ेगा, और वहाँ पर अगर आप कोई गलती करेंगे तो वो पकड़ ली जाएगी। एक मैं अपनी टिप देना चाहता हूँ कि अगर आप प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में काम करना चाहते हैं तो आप कोशिश करें कि आप किसी बड़ी इंडस्ट्री में जाएं और उसके मदर प्लांट में जाएं। अब क्वेश्चन ये उठता है कि सर मदर प्लांट क्या होता है? देखिए मदर प्लांट हर कंपनी का बहुत बड़ा प्लांट होता है जहाँ पर सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन होता है, और ये ज़्यादातर इंडस्ट्रियल एरिया में होते हैं, और ये ज़्यादातर कोस्ट के पास होते हैं। कोस्ट का मतलब है समुद्री, जो समुद्री तट होता है ना, उसी के पास ये मदर प्लांट होते हैं, और वहाँ पर सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन होता है। मतलब वहाँ पर प्रोडक्शन बहुत बड़े लेवल पर होता है। ठीक है, तो अगर आप वहाँ पर काम करेंगे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में तो आपको ज़्यादा सीखने को मिलेगा, क्योंकि ज़्यादातर जो मदर प्लांट्स होते हैं वहाँ पर जो प्रोडक्शन के लिए जो मशीन्स यूज़ होती है, चाहे वो कंप्रेशन मशीन हो, ड्रायर हो, या मिक्सर्स हो, ठीक है, या कोटिंग मशीन हो, या आपकी पैकेजिंग मशीन हो, वो काफ़ी लार्ज स्केल पे यूज़ होती हैं, और जो आज की डेट में जो मॉडर्न मशीन्स यूज़ हो रही है वो आपको वहाँ पर देखने को मिलेगी, क्योंकि वहाँ प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए वो मॉडर्नाइज मशीन यूज़ करते हैं जिससे कि उनका प्रोडक्शन तेज़ हो जाए। तो अगर आप किसी मदर प्लांट में काम करते हो ऐसे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में, तो आपको सीखने को काफ़ी कुछ मिलेगा, और आपको एक्सपीरियंस भी काफ़ी ग्रो करेगा, जो आपके आगे के लिए काफ़ी, या आगे के फ्यूचर के लिए काफ़ी हेल्प करेगा। तो कोशिश करें कि आपको अगर किसी डिपार्टमेंट, मतलब किसी भी इंडस्ट्री के मदर प्लांट में काम करने का मौका मिल रहा है, और ये ज़्यादातर आपको गुजरात में मिलेगी, या हलूल हो गया, दमन हो गया, दीव हो गया, यहाँ पर काफ़ी बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ के मदर प्लांट वहीं पर सिचुएटेड है, क्योंकि वहाँ पर द्वीप भी है, वहीं पर बनता है, वहीं पर बाहर निकल जाता है, तो इसीलिए आपको वहीं पर ही जाना पड़ेगा और वहीं पर वर्क करना पड़ेगा। तो ये एक मेरी टिप थी प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में काम करने वालों। तो यहीं पर मैं ये वीडियो कंप्लीट करता हूँ। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो देखने के लिए थैंक यू वेरी मच। अगर आप चाहते हैं कि मैं इस टाइप की वीडियोज़ और बनाऊँ तो नीचे कमेंट बॉक्स पर सजेशन दे सकते हैं। मैं आने वाले समय पर और भी वीडियोज़ बनाऊँगा आपके सजेशन के हिसाब से। आपके उज्ज्वल भविष्य की कामना करता हूँ, और यूँ ही बने रहिए मेरे साथ। आपके लिए आज की एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। तो आज मैं मेरे सभी स्टूडेंट्स को जवाब देने के लिए मैंने एक ट्रिक निकाली, और उसको ये है कि मैं अब आने वाला हूँ लाइव, और लाइव आके मैं आपसे सीधा इंटरेक्ट करूंगा और आपके क्वेश्चंस का जवाब दूंगा। अब आपके दिमाग में ये क्वेश्चन उठ रहा होगा कि सर लाइव आओगे कहां पर और कब आओगे? तो मैं आपको एक चीज बता दूं कि मैं लाइव आऊंगा मेरे फेसबुक पेज पे। मेरे फेसबुक पेज का नाम है प्रोफेसर करण अजय गुप्ता। उस पेज को आप फॉलो कर लीजिए। समय, टाइम, जो जगह, वो सब मैं बताऊंगा उस फेसबुक पेज पे। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि जल्द ही मैं फेसबुक लाइव पे आने वाला हूं। सर लिंक तो बता दो। तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, मेरे पेज का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहां से आप मेरे फेसबुक पेज पे जा सकते हैं और मुझे फॉलो कर लीजिए। और एक मिनट, और अगली मुलाकात होती है फेसबुक पेज पे।